लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में कमिश्नर रोशन जेकम ने अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए और इसी के तहत लखनऊ में अब मकान की 25% कीमत जमा करवाकर और 5,000 रुपये में रजिस्ट्री करवाकर कब्जा कर लिया जाएगा। इसके अलावा अकबर नगर के विस्थापितों को भी शारदा नगर योजना, वसंत कुंज योजना में कैंप लगाकर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। बोर्ड बैठक में फर्जी नक्शा बनवाकर अस्पताल का संचालन करने वाले के मामले का भी संज्ञान लिया गया और इसमें अस्पताल को सील करने का फैसला लिया गया। बोर्ड बैठक में स्पेशली अकबर नगर ने ऐसे निर्णय लिया गया कि जो विस्थापित हैं उनके लिए पीएमएवाई का हम लोग 5,000 पे ही 10 साल की किस्तों में पहले कब्जा देंगे उनको। इसके अलावा जो हमारे फ्लैट्स हैं, ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हुई या किसी तरह से विस्थापन हुआ तो उनके लिए भी एक पॉलिसी लाई गई है, तो ये सब सारी चीजें लाई। अभी माननीय न्यायालय में इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं जिसका पालन किया जा रहा है। एफआई हॉस्पिटल के बारे में एफआईआर कराई गई है फर्जी नक्शे के संबंध में, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब अपने सपनों का आशियाना बनाना सभी के लिए आसान होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कल की हुई बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो भी विस्थापित लोग हैं उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी योजनाओं में आवास मुहैया कराएगा। आवास मुहैया कराने की इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में तमाम उन विस्थापितों को स्थापित किया जाएगा। और बता दें कल की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि जो भी लोग अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं वो लखनऊ विकास प्राधिकरण में 5,000 रुपए से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और सबसे लाभप्रद ये बात सामने निकल कर आई है कि 25% फ्लैट की किस्त जमा करके अब लोग उस पर कब्जा भी पा पाएंगे। तो साफ तौर पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी को अपने सपनों का आशियाना मिले और उसी के क्रम में कल की बोर्ड की बैठक में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी एफआई बिल्डर पर भी लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण की निगाहें अब टेढ़ी हो रही हैं और कल की बैठक में तमाम फैसला लेने के बाद ये सुनिश्चित हुआ है कि एफआई हॉस्पिटल पर अब कार्रवाई होगी और पूरी तरह से एफआईआर दर्ज होने के साथ उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द सुनिश्चित करेगा। कैमरा दिलीप के साथ मैं अनिकेत तिवारी, नेटवर्क 10 लखनऊ।